गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना में निमग्न रहते, प्रभु श्री राम को सदैव अपने अंग संग विराजमान मानते, जितने पत्र वह देव आदि देव कृपा करते, रात्रि देर रात्रि तक रामचरितमानस के पन्ने लिखते और प्रभु को ही अर्पण करके, हे प्रभु अब मेरा विश्राम का समय है, आपने इस पन्नों की रक्षा करना, जो राम भक्त होता है उसकी कीर्ति सर्वत्र सुगंधी की तरह फैलती है। इतना बड़ा कार्य देव आदि देव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से ले रहा था। वह समय आया एक देवी अपने पति को लेकर जो प्राण त्याग चुका, बहुत विलाप करते हुए, हे गुरुदेव कृपा करो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन से भी कोमल हुआ करता है, माखन को तो आंच चाहिए पिघलने के लिए, परंतु संत हृदय दूसरे का दुख कष्ट देखकर ही पिघल जाता है, पिघल गए। अपार शक्तियां देव आदि देव से ये सिद्धियां प्राप्त स्वतः ही हो जाती हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते। उस मृत व्यक्ति के कान में जाकर एक बार राम ये बोलकर लीन हो गए और वह मृत व्यक्ति उठ बैठा। मोहम्मडन पीरियड था, तब मुगल बादशाह अपना साम्राज्य विस्तृत करने में भरसक प्रयत्न कर रहा था। मुगल राजा के कानों में भी यह दिव्य शक्तियों का कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास है। जब ये राजा के कान में विस्तृत हुई, अपार धन दौलत देकर अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाके बोलो हमें भी कोई करामात दिखावे, तुलसीदास जी को बोलो और ये भेंट दे देना। अस्वीकार कर दिया कि मैं कोई करामाती नहीं हूं, मैं तो नाम का जाप करता हूं, ये तो मेरा राम करता है, मैं तो कुछ नहीं करता। यहां तक कि सिद्धि प्राप्त हो गई थी, एक तुलसी दल जल में लेकर एक राम कहते हुए 500 कोड़ियों के ऊपर छींटा दे दिया और 500 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया। इस प्रकार की सिद्धियां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हो चुके। जब राजा के मुगल बादशाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया तो वह तो उदंडी अभिमानी राजा, कहा उसको गिरफ्तार करके ले आओ। गिरफ्तार करके ले आए, पे हमें भी कोई अपना करामात दिखाओ। मैं तो कोई करामाती नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझे यह समाचार मिला कि तू मुर्दे को भी जीवित कर देता है। हे राजन मैं कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ करता हूं, ये मेरा राम करता है, ये उसकी शक्तियां हैं, ये उसकी ही कृपा है, जिस पर चाहे वह कर देवे। जब साफ इनकार कर दिया, कहा इसको बंदी बना लो,
अब मैं तुझे बंदी बनाने लगा हूँ, अब विभिन्न प्रकार से तुझे ताड़ना दी जाएगी। अपने राम को बुला, अगर वही करता है ना तो अपने राम को बुला, तेरी रक्षा करे। गोस्वामी तुलसीदास जी, हे राजन, तेरे जैसे अभिमानी राजा का अभिमान तोड़ने के लिए मैं इस कायनात के पति को बुलाऊं, इसकी आवश्यकता ही नहीं। उसके दूत ही तेरा अभिमान तोड़ने के लिए काफी है। उस समय मुगल बादशाह के सम्मुख ये हनुमान चालीसा के 40 श्लोकों का उच्चारण अवतरित हुआ। उसी समय रामदूत पवन सुत हनुमान जी को स्मरण कर लिया और उच्चारण आरंभ कर दिया। अब देखते ही देखते वानरों की सेना उस महल पर आक्रमण कर दिया। तब बादशाह के वजीर ने कहा, ये रामदूत के सैनिक हैं, ये सब तहस नहस कर देंगे, आप गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ दो, ये तुरंत शांत हो जाएंगे। मरता क्या ना करता, आदेश कर दिया कि तुलसीदास जी को आप अभी इसी वक्त बंदरों से मुक्त कर दो। तो आन की आन में वह बंदर लुप्त होते चले गए। तब ये हनुमान चालीसा, उस समय हनुमान जी अवतरित हो गए और तुलसीदास जी से कहा, जो स्तुति आपने गाई है राम भक्त की, ऐसी तीनों लोकों में और कोई भी नहीं गा सकता। धन्यवाद किया, ये राम के दूत की शक्तियां है, तो उस राम की शक्तियां कितना होगी। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। स्वामी से सेवक बड़े निश्चय कर रहमान, पुल बांध रघुवर गए और फांद गए हनुमान। जाऊंगा निर्विघ्न मैं सागर के उस पार, देव असुर जन लोक से सकू नहीं मैं हार, ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले रोक। मेरा मार्ग है खुला दश दिश तीनों लोक, ये है राम भक्त, ये है भक्ति, ये है राम नाम का जाप का प्रताप। कितनियां रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही राम नाम जपने वाले को प्राप्त हो जाती हैं। शुचिता जी,